लगता है संसार में कि जो अधर्मी हैं, कुटिल हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हर तरीके का गलत काम करते हैं, वो बड़ी मौज मार रहे हैं, ऐसा दिखता। और दिखता है कि जो सच्चे आदमी हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं, बड़ी कठिन ज़िंदगी जीते। दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो इतना ही कहूँगा कि ऐसा हमें दिखता है, ऐसा वास्तव में है नहीं। एक आदमी हत्याएं करता है, तरह तरह की दूसरों की संपत्ति कब्जा करता है, तरह तरह का नंबर दो का काम करता है, और आपको लगता है कि वो BMW कार में चलता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, लेकिन आपको इतना ही दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि 24 घंटे नरक में जीता है, कि कब CBI उसके पीछे लगी हुई है, उसको अंदर न कर दे, उसको डर लगा रहता है कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको डर लगता है कि जिसके जिसके साथ उसने अन्याय किया है, जिसका जिसका लूटा पाटा है, वह लोग भी उसकी जान लेने के फिराक में 24 घंटे उसके पीछे लगे हुए हैं। ये जो चारों तरफ से तरह तरह की तलवारें हैं उसके ऊपर लटकी हुई हैं, उसका चैन से सांस लेना, चैन से सोना, बाल बच्चों के साथ आनंद से बैठना, इसकी वो कल्पना ही नहीं कर सकता है। उसने अपने इर्द गिर्द इतना घनघोर नरक खड़ा कर लिया है जिसमें वो 24 घंटे जी रहा है। आपको उसकी ये दुनिया, उसका ये दुख, उसका ये तनाव, उसका ये दर्द, उसकी ये पीड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देती। आपसे कहा जाए कि आप इस तरह की पीड़ा में 24 घंटा जियो, आप जी सकोगे? लेकिन आपको इतना ही दिखाई पड़ता है, बड़ी गाड़ी में चल रहा है, बड़ा मकान है उसके पास। अरे लानत हो ऐसी बड़ी गाड़ी को, लानत है ऐसे बड़े मकान को। जो नरक उसके भीतर पैदा हुआ है उसको तो देखो, वो जीने लायक नहीं। सच्चा आदमी सच्चाई से कुछ नहीं कर सकता, बड़ी मेहनत से पति पत्नी थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के 11,000 रुपये इकट्ठा करते हैं, और सद्भाव से झुग्गी झोपड़ी के एक बच्चे को भोजन पोषण और शिक्षा का खर्च उठाने का बैल ले लेते हैं साल भर का। ऐसा करने से उनके प्राणों में जो एक संतुष्टि का, आनंद का भाव पैदा होता है, जो उनके प्राणों में एक तृप्ति आती है, और उनके इस भाव को देखकर मेरे भीतर जो प्रेम उमड़ता है, उसकी तुलना तो किसी स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती। सच्चा आदमी जो सच्चा जीवन जीता है, उस सच्चा जीवन जीते समय जो कृत्य करता है, उसी में उसको पुरस्कार मिल जाता है। ही इज रिवार्डेड द मोमेंट, उसी समय रिवार्ड मिल जाता है। जो उसको तृप्ति मिलती है, जो उसको आनंद मिलता है, वो रिवार्ड है। गलत आदमी जो गलत काम करता है, गलत काम करते ही जो नरक पैदा होता है उसको, उसका रिवार्ड मिल जाता है। तो चाहे अगला जन्म हो चाहे ना हो, होता भी हो ना भी होता हो कौन जाने, लेकिन अच्छा काम करते ही एक पुरस्कार मिल जाता है, बुरा काम करते ही एक पुरस्कार मिल जाता है दूसरे तरीके का। आप कौन सा पुरस्कार चुनना चाहते हैं, आपकी जैसी मर्जी। मैं इतना ही कहूँगा, समझदार आदमी समझदारी की चीज चुनेगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।